हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूं, जो कि है लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म, और समझेंगे मैनुअल कैलकुलेशन फॉर लोड्स। एक फ्रेम स्ट्रक्चर में लोड कैसे सॉइल तक पहुंचता है और बीम्स में, कॉलम्स में, फुटिंग में कितना लोड आएगा, मतलब टोटल लोड कैलकुलेशन, और लोड कैलकुलेट करने के बाद एरिया ऑफ फुटिंग कैसे डिसाइड करेंगे, इसके बारे में आज विस्तार से समझेंगे। ये टॉपिक लेंथी होने वाला है, इसके लिए पार्ट्स में बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे लोड ट्रांसफर पाथ, फिर हम सीखेंगे बेसिक लोड कंसिडरेशन, फिर हम सीखेंगे लोड कैलकुलेशन फॉर डेड एंड लाइव लोड, और उसके बाद लास्ट में आप सभी को मैं बताऊंगा कि एरिया कैसे डिसाइड करते हैं फुटिंग के लिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं लोड ट्रांसफर पाथ, किसी भी बिल्डिंग फ्रेम स्ट्रक्चर में लोड कैसे ट्रेवल करता है। सबसे पहले लोड स्लैब और स्लैब के ऊपर आने वाला लोड ट्रांसफर होता है बीम्स में, फिर बीम्स के लोड ट्रांसफर होते हैं कॉलम्स में, और देन कॉलम्स के लोड ट्रांसफर होते हैं फुटिंग में, और फुटिंग के लोड ट्रांसफर होते हैं सॉइल में। अब आइए आपको एक केस स्टडी के द्वारा एक प्लान से मैं पूरा लोड कैलकुलेट कैसे करते ये बताने वाला हूं। ये प्लान स्लैब बीम प्लान है, इसमें आप देख रहे हैं कॉलम्स, बीम्स, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब, और उसके साइजेस, जिसमें सारी जानकारी मौजूद है। तो आइए अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि सभी बीम्स के साइज 200x300 है, सभी कॉलम्स के साइज 200x300 है, सभी स्लैब की थिकनेस 125 mm रखी जाएगी, और आईएस कोड जो यूज किया जाएगा इसमें वो है IS 456-2000, IS 875 फॉर डेड लोड, IS 875 Part-2 फॉर लाइव लोड, और उसी के साथ वन वे स्लैब के कैलकुलेशंस के लिए जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है WLX/2। W स्लैब के ऊपर आने वाला लोड होगा और LX होगा शॉर्टर स्पान। फॉर टू वे स्लैब जो ट्रायंगुलर पोर्शन के लिए लोड ट्रांसफर करेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला है WLX/3। उसी प्रकार से ट्रेपेजॉइडल पोर्शन के लिए जो फॉर्मूला है वो है WLX/2 ब्रैकेट 1 - 1/2 ऑफ बीटा, वेयर बीटा इज LY/LX। अब समझते हैं बेसिक लोड कंसिडरेशन, डेड लोड। डेड लोड मतलब स्ट्रक्चर में लगने वाला ऐसा भार जो स्ट्रक्चर के साथ हमेशा लाइफ टाइम रहे, वो डेड लोड कहलाता है। जैसे स्ट्रक्चर का खुद का भार, सेल्फ वेट। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं थिकनेस और डेंसिटी ऑफ RCC को मल्टीप्लाई करके। अब दूसरा लोड है फ्लोर फिनिश लोड, जैसे PCC फ्लोरिंग, टाइल्स, सभी का लोड कहलाता है फ्लोर फिनिश लोड। इस लोड की वैल्यू 1 से 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिया जाता है, और ये जो 1 से 1.5 वैरी कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू मटेरियल वैरी कर रहा है, मतलब मटेरियल के भी सेल्फ वेट को कैलकुलेट करके डिसाइड किया गया है कि फ्लोर फिनिश लोड इतने से इतने रेंज तक लिया जाएगा। तीसरा लोड है वॉटर प्रूफिंग मटेरियल लोड, जो कि मैक्सिमम लिया जाता है 1 kN/m². ये सभी लोड एक्ट करेंगे एज अ डेड लोड। अब बात करते हैं लाइव लोड या इम्पोज लोड। ऐसा लोड जो मूवेबल है उसे हम लाइव लोड कहेंगे। लाइव लोड ऑन स्लैब होगा 2 से 4 kN/m². इस टेबल में आप देख रहे हैं इम्पोज्ड फ्लोर लोड्स फॉर डिफरेंट ऑक्यूपेंसी। अकॉर्डिंग टू IS 875 Part-2, सभी रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, सभी रूम, सभी किचन में 2 kN/m² का लोड लगाया जाएगा। उसी प्रकार से जितने भी होटल्स है, हॉस्टल्स है, सभी उसके लिविंग रूम्स, किचन्स में अलग अलग लोड डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। उसी प्रकार से अगर कमर्शियल है, जैसे एजुकेशनल बिल्डिंग है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे क्लास रूम्स और लेक्चर रूम्स के लिए 3 kN/m² बताया गया है। उसी प्रकार से कॉरिडोर पैसेज में 4 kN/m² बताया गया है, और आप देख रहे हैं कि असेंबली बिल्डिंग्स में अलग अलग लोड यहाँ पे आपको दिख रहा है। हमारे केस में ये सिर्फ ग्राउंड फ्लोर है और टेरिस पोर्शन में ये लगने वाला लोड है, तो इसमें भी फ्लोर्स के हिसाब से ही लोड लगाया जाएगा। अगर रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर है तो 2 kN/m² के हिसाब से लोड लगाया जाएगा, अगर कमर्शियल स्ट्रक्चर है तो थोड़ा ज्यादा होगा, और स्टोर रूम है तो थोड़ा और ज्यादा होगा, अगर जिम है तो और ज्यादा होगा। तो इसलिए ये जो लोड है ये वैरी करेगा 2 से 4-5 kN/m² तक। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में मैक्सिमम 4 kN/m² तक का लोड कैरी होगा। अब लोड कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं थिकनेस इनटू डेंसिटी से। देखिए किसी भी स्ट्रक्चर का सेल्फ वेट अगर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम होगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और डेंसिटी ऑफ मटेरियल लेना है।
अब देखिए डेंसिटी ऑफ यहां पे जो मटेरियल है वो क्या है, आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो आरसीसी का डेंसिटी होगा 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए ये कहां से लिया गया है, IS 456-2000 में ये वैल्यू दिया गया है कि जो डेंसिटी लेना है वो 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब लेना है। तो यहां पे हम पूरा वॉल्यूम ना कैलकुलेट करते हुए सिर्फ थिकनेस को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें लोड चाहिए किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में। मतलब लेंथ क्रॉस बी मतलब एरिया को इग्नोर करते हुए सिर्फ थिकनेस से डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हम सेल्फ वेट किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि स्लैब की जो थिकनेस है 0.125 मीटर इंटू 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी देखिए यहां पे हम एक्स्ट्रा लोड मतलब जो फैक्टर्ड लोड लिया जाता था जो कि 1.5 से मल्टीप्लाई करने से निकालते हैं, उसे हम बाद में कंसिडर करेंगे। तो यहां पे हमारा कैलकुलेट हो गया सेल्फ वेट ऑफ स्लैब जो कि है 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगला लोड हम कैलकुलेट करेंगे सेल्फ वेट ऑफ पैरापेट वॉल। देखिए आप यहां से इमेजिन कर पा रहे हैं पैरापेट वॉल। देखिए पैरापेट वॉल एक प्रकार की शॉर्ट वॉल है जिसमें ब्रिक वर्क होगा, जिसमें प्लास्टर होगा। तो सिंपल हमें ब्रिक वर्क और प्लास्टर का लोड अलग अलग कैलकुलेट कर लेना है और वही हमारा होगा पैरापेट का लोड। तो बहुत ही आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पैरापेट ऑफ वॉल इज इक्वल टू अगेन वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और इस बार जो वॉल्यूम में हम कैलकुलेट करेंगे ब्रेथ और हाइट और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से। तो लोड फॉर ब्रिक वर्क, देखिए ब्रिक वर्क बोलने से इसमें आएगा ब्रिक्स और मोर्टार। तो लोड फॉर ब्रिक वर्क 0.2 जो ब्रेथ है, देखिए ये 0.2 इंटू 1 मीटर, 1 मीटर की हाइट है, पैरापेट की हाइट हमने लिया यहाँ पे 1 मीटर, और डेंसिटी ऑफ ब्रिक वर्क बोल रहा हूं मैं, नॉट वॉल, ब्रिक वर्क होगा 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये लिया गया IS 875 Part 1 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकलेगी 3.8 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके उसी प्रकार से बोथ साइड प्लास्टर वर्क जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इनर प्लास्टर हम लेंगे 12 mm, आउटर प्लास्टर हम लेंगे 15 mm, उसे जब मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 0.015 मीटर प्लस 0.012 मीटर आएगा। तो प्लास्टर इंटू हाइट ऑफ पैरापेट, अगेन डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार डेंसिटी होगा प्लास्टर के लिए जो डेंसिटी लिया जाता है वो है 21 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो उस हिसाब से जो वैल्यू आएगी 0.567 किलो न्यूटन पर मीटर, और टोटल पैरापेट वॉल लोड हो जाएगा 4.36 किलो न्यूटन पर मीटर। तो एक बार फिर से सिविल गुरुजी ऑफर के साथ आप सभी के लिए लेके आया है जॉब डिटेक्टिव कोर्स, जिसमें है जॉब सर्च से लेके इफेक्टिव रिज्यूम और इंटरव्यू प्रिपरेशन की जर्नी। ये ऑफर होगा लिमिटेड इंजीनियर्स के लिए। 75% ऑफ के साथ आपको दिया जा रहा है मात्र 1600 रुपए में। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स का कंटेंट आप सभी से शेयर करना चाहूंगा, जिसमें है टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनीज वर्ल्ड में, इंडिया में, दुबई में, जॉब सर्च स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि जॉब सर्च फेल क्यों होता है, फेक जॉब से कैसे बचे, जॉब सर्च स्ट्रेटजी कैसे बनाएं, लिंक्डइन से कैसे जॉब सर्च करें, हाउ टू मेक पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को कैसे बनाया जाए, मेक प्रोफेशनल रिज्यूम, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, कवर लेटर क्यों जरूरी है, एक्सपीरियंस इंजीनियर का रिज्यूम कैसे होना चाहिए, फ्रेशर इंजीनियर्स का रिज्यूम कैसे होना चाहिए, जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें, इंटरव्यू में कैसे जाए, ट्रिकी सवालों के जवाब कैसे दे, सैलरी कैसे नेगोशिएट करें, इंटरव्यू कैसे क्लोज करें, फॉलो अप और ईमेल कैसे करें। तो देखिए यहां पे जॉब हंटिंग स्ट्रेटजी आपको पूरी बताई जा रही है इस जॉब डिटेक्टिव कोर्स में। ये कोर्स आप सभी के लिए बहुत ही वैल्यूबल होने वाला है, इसलिए देर मत कीजिए, अभी कॉल कीजिए 9111001234 पे और पूरी डिटेल्स पाइए। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस प्लान में आप कैलकुलेट करना है बीम्स में कितने लोड आएंगे। तो सबसे पहले B1 बीम, इस प्लान को आप अच्छे से देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरे बीम्स दिख रहे हैं, पूरे कॉलम्स दिख रहे हैं, साइजेस दिख रहे हैं, और वन वे डिस्ट्रीब्यूशन स्लैब के, टू वे डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको दिख रहा है। अब सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि सभी बीम्स में कितना कितना लोड आएगा और उस बीम्स के द्वारा कॉलम में कितना लोड ट्रांसफर होगा, इसको कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे B1 बीम से। अगर आप इस प्लान में ध्यान से देखेंगे तो ये रूम का साइज और इस रूम का साइज दोनों सेम है, इसका मतलब B1 पे जो लोड आने वाला है वही B10 पे भी लोड आने वाला है, क्योंकि लोड लगने के कंडीशन भी सेम है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि B1 बीम पे किस किस का लोड आएगा। सबसे पहले
B1 बीम का सेल्फ वेट ऊपर के स्लैब पोर्शन जो ट्रायंगुलर पोर्शन है, देखिए यहां पे जो ये ट्रायंगुलर पोर्शन है इस पोर्शन का लोड ट्रांसफर होगा इस बीम में, और क्योंकि पैरापेट वॉल भी होगा इसलिए पैरापेट का लोड भी इस बीम में कैरी करेगा। तो सबसे पहले हमें टोटल डब्ल्यू लोड ऑन स्लैब कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब लोड कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो जो लोड निकलेगा वो डेड लोड और लाइव लोड को प्लस करने से निकलेगा। तो हमारा डेड लोड है सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, फ्लोर फिनिश, वाटर प्रूफिंग और उसी के साथ लाइव लोड। तो W निकलेगा हमारा सेल्फ वेट ऑफ स्लैब जो कि है 3.125 प्लस फ्लोर फिनिश जो हमने लिया था 1.5, वाटर प्रूफिंग हमने लिया था 1, उसी के साथ लाइव लोड हम ले रहे 4 किलो न्यूटन। हमें हमेशा मैक्सिमम लोड के हिसाब से डिजाइन करना है, इसलिए हमने यहां पे सभी मैक्सिमम लोड को कंसिडर किया है। डब्ल्यू निकल गया 9.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहां पे हम फैक्टर कर देंगे एक्स्ट्रा लोड, हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है, तो टोटल फैक्टर लोड 1.5 से मल्टीप्लाई करने से आपको निकलेगा 14.4375 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है कि ट्रायंगुलर पोर्शन का लोड कितना B1 पे ट्रांसफर करेगा, जिसके लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे WLX/3। तो W की वैल्यू 14.4375 इंटू LX, देखिए LX इज द शॉर्टर स्पान इस स्लैब में, आप देख पा रहे ये वाला स्लैब वाला पोर्शन है, यहां से यहां तक ये आपका शॉर्टर स्पान कहलाएगा जो कि 3.3 है, और यहां से पूरा यहां तक आपका कहलाएगा LY जो कि आपका लॉन्गर स्पान है 3.6। तो LX होगा आपका 3.3 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 15.88125 किलो न्यूटन पर मीटर। अब कैलकुलेट करेंगे सेल्फ वेट ऑफ बीम जो कि फैक्टर लोड हम लेंगे फिर से, तो फैक्टर लोड के लिए 1.5 मैंने यहां मल्टीप्लाई कर दिया, और सेल्फ वेट ऑफ बीम के लिए हमें बीम का साइज लेना है जो कि हमने लिया है 0.2 बाय 0.3, डेंसिटी जो कि होगा 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, इसकी वैल्यू आ गई 2.25 किलो न्यूटन पर मीटर। अब हमें लेना है पैरापेट वॉल का लोड जो कि हम फैक्टर करेंगे, इससे पहले हमने पैरापेट वॉल का लोड ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है जो कि निकला है 4.36 किलो न्यूटन पर मीटर, इसे हम फैक्टर करेंगे तो 1.5 से मल्टीप्लाई करने में आपको वैल्यू मिलेगा 6.54 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ओवरऑल जो टोटल लोड है जो B1 पे आने वाला है सभी को हमने सम किया और 24.671 किलो न्यूटन पर मीटर लोड आया है B1 बीम पे। अब इसके बाद होगा टोटल फैक्टर लोड ऑन B1 बीम इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन। देखिए आपको यहां पे ध्यान देना है कि अभी हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है किलो न्यूटन पर मीटर के फॉर्म में, और अगर हमें किलो न्यूटन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें लेंथ ऑफ बीम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहां पे देखें तो बीम की जो लेंथ है वो 3.3 है, ठीक है, तो बीम की लेंथ से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहां पे टोटल जो लोड है जो कि किलो न्यूटन पर मीटर के फॉर्म में, उसको हम जब बीम की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल लोड मिल जाएगा किलो न्यूटन के फॉर्म में जो कि है 81.41 किलो न्यूटन। अब आपको आगे क्या करना है कि C1 और C2 पे कितना लोड ट्रांसफर करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। अब हमने कैलकुलेट कर लिया कि B1 पे कितना टोटल लोड आने वाला है जो कि 81.4। अब इस लोड को हमें C1 और C2 पे कितना कितना ट्रांसफर करना है, तो जो B1 का लोड है वो ट्रांसफर होगा एग्जैक्टली जस्ट हाफ C1 पे और एग्जैक्टली जस्ट हाफ C2 पे। देयरफॉर लोड ऑन कॉलम C1 एंड C2, तो C1 पे जो लोड आएगा 81.41 डिवाइड बाय 2 जो कि 40.7 किलो न्यूटन, और वेयर एज C2 पे भी जो लोड आएगा वो आएगा 40.7 किलो न्यूटन। तो जैसे कि मैंने बताया जो B1 पे लोड आएगा वही B10 पे भी लोड आएगा, इसका मतलब जो B1 के द्वारा C1 पे लोड ट्रांसफर है और B1 के द्वारा C2 पे लोड ट्रांसफर आ रहा है, वही आपका B10 के द्वारा C7 पे और B10 के द्वारा C6 पे लोड आने वाला है 40.7। आगे का लोड कैलकुलेशन मैं कवर करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।